हीरो हो जाए। लोग हज के लिए आ रहे थे, हुसैन बहनों के ऊंट बहनों को सवार करवा रहे थे। सदात तो गैर सदात काफिला निकल के एक ऐसी मंजिल पे आया जहां पे आके हुसैन ने काफिले को रोका। काफिला रोक के हुसैन रोते रोते एक टीले के पीछे चले गए। काफी देर तक आलिया ने देखा कि हुसैन वापस नहीं आए। बीबी की आवाज़, अम्मा फिजा। जी शहजादी। अब्बास को बुलाओ। जनाब अब्बास है। जी बीबी। अब्बास मेरा हुसैन कहाँ है? बीबी अभी काफिले से निकल के इस टीले के पीछे गए हुसैन। अब्बास जा पता कर क्या मेरा हुसैन कहाँ है। मौला अब्बास ने हुसैन के घोड़े के कदमों के पीछे अपने घोड़े के कदम चलाए। किताबें लिखती है टीले के पीछे हुसैन सर से अमामा उतार के जमीन पे बैठे रो रहे थे। यूं अब्बास को आते देखा, सखी ने जल्दी से अमामा अपने सर पे रखा। हुसैन उठने लगे थे या अब्बास के दोनों हाथ हुसैन के कदमों पे आए। रोके का, तुझे तेरी माँ के पहलू का वास्ता, मुझे बता तुझे रुलाया किसने। जब अब्बास ने रोके का ना, तुझे तेरी माँ के पहलू का वास्ता, मुझे सिर्फ इतना बता तुझे इस सहरा में, तुझे इस रेगिस्तान में किसने रुलाया। हुसैन रोके कहते अब्बास मैं तुझे इसलिए नहीं बता रहा, अब्बास मैं हूं बाबे के सबर का वारस, तू है बाबे के जलाल का वारस। अब्बास मैंने सब्र कर लिया, तू करेगा। मुंजर भाई इतना जुमला कहना था, सखी अब्बास तड़पे तड़प के रो के अब्बास ने यूं हाथ जोड़ के हुसैन से कहा मुझे सिर्फ इतना बता मैंने सब्र करने कितने हैं, मुझसे सैयदों ने सब्र करवाने कितने हैं। 19 रमजान मेरे बाबे के सर पे जरब लगी, मैं मिन्नतें करके कहता रहा कातल अभी कूफे में, मुझे मेरी तलवार दे दे। तूने कहा अब्बास मैं गरीब हूँ, मौला मैं चुप नहीं कर गया। 28 सफर को मेरे मरे के जनाजे पे तीर चलते रहे, मैं रो के कहता रहा घर से मुझे तलवार दे, मैं देखूँ कौन हसन को कब्रे रसूल पे दफन नहीं होने देता। बहन और भाई ने इकट्ठे होके कहा अब्बास हम गरीब हैं, मैं चुप नहीं कर गया। 28 रजब को ऊंट दरवाजे पे आए, मैं मिन्नत कर करके कहता रहा एक तलवार मुझे दे दे, एक मुस्लिम को दे दे, एक मोहम्मद हनफिया को दे दे, एक अपने अकबर को दे दे। तू अली की बेटियां लेके मदीने बैठा रहे, अगर शाम से पहले कूफे के दरवाजे पे अपना आलम ना लगाओ मुझे अली का लाल ना कहना। तूने कहा अब्बास मैं गरीब हूं, मौला मैं चुप नहीं कर गया। मौला तूने चलते हुए महमल से अकबर की बहन को उतारा, मैं रो रो के कहता रहा जहां सकीना जा रही है वहां सुगरा को जाने। तूने कहा अब्बास मैं गरीब, मौला मैं चुप नहीं कर गया। मौला कितने सबर करवाने। हुसैन रो के कहते अब्बास मेरा लाल हौसला, अब्बास हौसला, अब्बास अभी तो बड़े सबर करने हैं। अब्बास की आंखें नहीं यूं हैं जैसे बादल बरस रहे हैं, दाढ़ी आंसुओं से भर गई। अब्बास सिसकियां लेके रोने लगे। हुसैन ने यूं सखी अब्बास को सीने से लगाया, अब्बास हौसला, अब्बास हौसला, अब्बास मैं तुझे बता दूंगा। नहीं मौला मुझे बता आप क्यों रोए थे। अब्बास इतना क्यों बार बार पूछ रहा है। अब्बास रो कहते मेरी मजबूरी है मौला, आपको आलिया ने बुलाया है, अभी आप आलिया के महमल के करीब जाएंगे, अली की बेटी तेरी आंखें देखेगी, अगर तेरी आंख आंसू जैनब को नजर आ गया, जैनब ने मुझे बुला के पूछ लिया। अब्बास तू भी जिंदा रहा, हुसैन भी रोता रहा, मौला मैं क्या जवाब दूंगा। हुसैन ने आखिरी सदर हुसैन तड़पे, हुसैन ने तड़प के कहा अब्बास फिर वादा कर, अगर मैं तुझे बताऊंगा तू सबर करेगा। सबर का नाम आना था। अब्बास रोए, अब्बास रो के कहते सिर्फ वादा नहीं, मैं बकिए वाली जहरा जामन देता हूं, आप बताएं मैं सबर करूंगा। इतना जुमला कहना सरकार मैं आपकी नजर जुमला करने लगा, इतना जुमला कहना था या हुसैन ने रो के कहा अब्बास अब जरा मेरी दो उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास ने दो उंगलियों के दरमियान देखा। अब्बास देखते मौला को दारुल अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, मौला उसकी गर्दन में नंगी तलवार है। मौला कभी वो मदीने को देखता है, कभी वो नजफ को देखता है। हुसैन की आवाज आई अब्बास पहचान ये कौन है। अब्बास ने हसरत के हाथ वाले, अब्बास की आवाज आई है मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई। आवाज आई हाँ ये मेरा मुस्लिम है, मुस्लिम का नाम आना था। अब्बास ने तलवार रेत में फेंकी, रोके का तुझे तेरी मां का वास्ता, मैं जंग नहीं करता, एक दफा जमीन की तनाबे खेच, मुझे कूफे पहुंचा। हुसैन का कूफे जाके क्या करेगा, फरमाया परदेश में लाशा कौन उठाएगा, मुस्लिम का जनाजा कौन पढ़ेगा। आवाज आई अब जरा जमीन पे देख, अब्बास की आवाज आई मौला उंगलियां हटा ले, एक काले
बुरके वाली बीबी है जिसका पहलू पे हाथ है, तारुल अमारा के नीचे अपनी चादर फैला के रो के कह रही है, आओ मेरे गरीब का वकील बेटा, आओ मेरा करबला का पहला शहीद बेटा।